देखिए, अभी तो बहुत कांटे की टक्कर है और अभी नेक टू नेक चल रहा है, लेकिन अभी 10:40 हुए हैं। मुझे लगता है ये स्थिति 1 बजे तक क्लियर होगी और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली विश्वास देगी और आम आदमी पार्टी को अपने जो पीछे अपने समय में जो जिसने दिल्ली को इतना तकलीफ दिया है, आज देखिए दिल्ली इतनी गैस चैम्बर बनी है कि सारी गाड़ियां रातों रात बैन हो गई, डीजल गाड़ियों से आप नहीं चल सकते। ये दंश कब तक झेलती रहेगी दिल्ली? तो ये सब मुझे लगता है कि दिल्ली अपना जनमत बीजेपी के पक्ष में देगी, मगर अब इस समय किसी बात का कोई मतलब है नहीं जी। अब जो भी जनता का जनादेश होगा वो सिर माथे पे। अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ फूल लाया जा रहा है, जश्न की तैयारियां हो रही हैं, क्या लगता है आम आदमी पार्टी एमसीडी में? नहीं, हमारे यहाँ भी भरा हुआ है, हमारे यहाँ भी बहुत भरा है और निश्चित रूप से जो जीतता है वो फूलों से स्वागत करता ही है अपना, उसके कार्यकर्ता करते हैं, तो वो सबके यहाँ है, वो तो कांग्रेस के यहाँ भी होगा, ऐसा थोड़ी उसके यहाँ नहीं है। जब तक 3 न बज जाए, कम से कम 12 बजने तक तो जरूर इंतजार करेंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है, लड्डू भी बने होंगे सबके, लेकिन आज महत्वपूर्ण देखना ये है कि इस कांटे की टक्कर में जीत किसकी होती है। लेकिन एक प्रकार से आम आदमी पार्टी की हार हो चुकी है और वो है, वो कहते थे हम 220 सीट लाएंगे, ऐसी थंपिंग मेजोरिटी का दावा करने वाले लोग आज किधर बैठे हैं उनका चेहरा देखना चाहिए, क्योंकि जनता ने नहीं कहा कि तुम इतने आगे हो दिल्ली में, आप अब किसी भी समय बीजेपी से परमानेंट परास्त हो सकते हो। देखिए, अभी रिजल्ट आएंगे तो आपको बहुत कुछ दिखेगा और जो लोग ईमानदारी की कस्में खाते थे उनके भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है और जो रिजल्ट आ रहे हैं जिस तरह से एग्जिट पोल पे, और अरविंद केजरीवाल तो ये कह रहे थे 20 सीटें मिलेंगी बीजेपी को, और आज भारतीय जनता पार्टी कड़ी टक्कर ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, और जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, जिस तरह के जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी उसमें अच्छी बढ़त, हम 3-15 साल से शासन में है और हमने अच्छा काम किया है, जनता उस पर मोहर लगाने जा रही है, बहुत अच्छा। जो अभी कुछ आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे थे कि बीजेपी सरकारी कर्मचारियों के ऊपर प्रेशर होता है इसलिए वो उनके पक्ष में वोट करते हैं, वही ईमानदारी की बात करते थे, उनके भ्रष्टाचार की पोल खुली है और हमने चुनाव अच्छी तरह लड़ा है बीजेपी। महत्वपूर्ण सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, अगर त्रिशंकु बना, त्रिशंकु अगर स्थिति हुई तो क्या कांग्रेस के लोगों से बातचीत करेंगे आप? देखिए, त्रिशंकु स्थिति बनी, देखिए क्या क्या होगा और क्या, ये सब भविष्य के गर्भ में है, इसलिए इस पर अभी कहना नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना कि अभी आप इंतजार करिए, जब अंतिम परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और हम बहुमत प्राप्त करेंगे। आपको लगता है बीजेपी का मेयर बनेगा? आपको लगता है? उन्होंने कागज पे लिख दिया था 20 सीटें कहा था। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने कहा 20 सीटें आएंगी, वही तो मैं कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल जी, जरा देखिए, आप कह रहे 20 सीटें आएंगी और आपकी 100 से नीचे सीटें आने वाली है। आपको लगता है बीजेपी का मेयर बनेगा? 100% बीजेपी का मेयर बनेगा, बीजेपी बहुमत में है। कौन से फैक्टर्स लग रहे हैं कि लोगों तक पहुंचे हैं आप जी? कौन से मुद्दे हैं जिनको लगता है? देखिए, लोगों तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए काम किए हैं, जो आम आदमी के लिए बेहतरी के लिए किए, वो पहुंचे हैं। दिल्ली के झुग्गी वासियों को फ्लैट दिया है, उसका संदेश पहुंचा है, और दिल्ली के अंदर नगर निगम ने पिछले 15 सालों में, आप सोचिए 15 सालों की एंटी इनकम्बेंसी अगर हो, और उसके बावजूद भी हमारा प्रदर्शन बेहतर हो, हमने दिल्ली नगर निगम में लोगों को लिए काम किया, हो सकता है कुछ लोगों की नाराजगी होगी लेकिन इतनी बड़ी नाराजगी नहीं थी, व्यक्तियों की हो सकती थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई नाराजगी नहीं थी। किसी को उम्मीद करके?